न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते बड़ी खबरों की ओर। खातून जिंदाबाद, 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 अभिया खातून जिंदाबाद, 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 अभिया खातून जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता का माहौल काफी अच्छा है, सारे जनता दल का सपोर्ट भी है, सब लोग दिल से चाह रहे हैं इस बार वार्ड सदस्य बनाना है। हम रोड का समस्या हल करेंगे, नाले का समस्या हल करेंगे, मस्जिद का समस्या हल करेंगे, अपने कब्रिस्तान का समस्या हल करेंगे। तिराजाबाद पंचायत के ग्राम रहीमपुर रक्षा पोस्ट मेहसी थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर वार्ड नंबर 6 के कर्मठ सुयोग शिक्षित एवं ईमानदार समाजसेवी महिला उम्मीदवार सभिया खातून ने वार्ड प्रत्याशी में नामांकन किया। लोगों में काफी अपार और हर्ष दिखाई दे रहे थे। सभी लोगों को स्पष्ट शब्दों में कहना था कि जब हमारे गांव में विकास का कार्य होगा तभी हमारा गांव विकसित और आगे की ओर बढ़ेगा, जिसमें हम सभी जनता, हम सभी गांव वासी इनका मिलकर सहयोग कर हम लोग जिताने का कार्य करेंगे। जब वैश्य व्यापार की टीम ने सभिया खातून प्रस्तावक मोहम्मद तस्मीम आलम, निवेदक नूर आलम कैस से बात की तो उन्होंने कहा था कि हम सभी लोग मिलकर हर उस मुख्य बिंदु पर कार्य करेंगे जहां पर पहले से कार्य नहीं हुआ है, और शिक्षा जगत हो, गांव की सड़क हो, नाला हो, अस्पताल हो, बेरोजगारी हो, इन मुख्य बिंदुओं को हम लेकर चल रहे हैं और हम लोग का प्रयास रहेगा कि इसमें हम लोग मिलकर सफलता प्राप्त करें। उन्होंने वैश्य पर न्यूज चैनल के मीडिया प्रभारी राजन कुमार राज का भी धन्यवाद दिया जो कि उनके नामांकन में सम्मिलित हुए और वैश्य व्यापार की टीम ने उन्हें अग्रिम जीतने की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल से राजन। अभी हम सिराजाबाद पंचायत के रहीमपुर रक्षा गांव में सहिबा खातून जो वार्ड सदस्य में अभी नॉमिनेशन की है, इनसे मेरी अभी बात हो रही है। अच्छा मैडम, इस बार जो आप खड़ा हुए हैं, क्या लगता है आप ये कैसे तैयारी इसका कर रही हैं? जनता पूरा समर्थन में है आपके? अच्छा, कैसे आप लोग के समर्थन में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं? माता जी आप ही खड़ी हैं वार्ड सदस्य में, कैसा लग रहा है, कैसा मान लें कि माहौल यहाँ का, क्या जनता का माहौल कैसा है? जनता का माहौल काफी अच्छा है, सारे जनता दल का सपोर्ट भी है, सब लोग दिल से चाह रहे हैं इस बार वार्ड सदस्य बनाना है और जो वार्ड की समस्याएं हैं उसको दूर करना है। आप लोग पहले से कोई कैंपेनिंग होगा, प्लानिंग होगा कि हम कैसे समस्या का समाधान करें? कैंपेनिंग है, हम रोड का समस्या हल करेंगे, नाले का समस्या हल करेंगे, मस्जिद का समस्या हल करेंगे, अपने कब्रिस्तान का समस्या हल करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बिंदु पे हम सब नज़र रखे हैं और जीत होती है तो सारे समस्या का हल किया जाएगा। अच्छा, गांव में ये पढ़ाई के प्रति लोग का कैसा रुझान है? अच्छा रुझान है, हाँ। और इस पर मेहनत चल रही है, शिक्षा के लिए भी हम लोग जाएंगे और जहां से वो बेहतर करके देंगे। अच्छा, तो इस बार आपकी माता जी जो खड़ा हुई हैं, समर्थन का मतलब सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिल रहा है, कैसे जनता से, जनता के द्वारा कैसे सपोर्ट मिल रहा है? सर, जनता के द्वारा बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, महिलाओं का भी पूरा सपोर्ट है। चलिए, आप सभी लोग को धन्यवाद हमारे चैनल से, वैश्य व्यापार न्यूज चैनल से बात करने के लिए, और आप लोग विजयी हुए जी जी, और यही शुभकामना के साथ बधाई देते हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल प्रस्तावक मोहम्मद तस्मीम आलम, डॉक्टर औजेर अंजर, मोहम्मद तौफीक आलम, मोहम्मद नसीमुल हक, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद चांद, मोहम्मद अकील अहमद, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद मतियूर रहमान, अजहरी खातून, अजमेरी खातून, नाजिया खातून, साजिदा खातून, सजीदा खातून, नगीना खातून, गुलनाज खातून, जिनत खातून सहित कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।